हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है व्रत रखने से सेहत से जुड़े फ़ायदे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए और साथ में सब्सक्राइब भी करिए और बेल बटन को भी दबाइए, जिससे मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि व्रत या उपवास केवल आस्था के लिए ही नहीं रखा जाता है, बल्कि इसके सेहत से जुड़े भी कई फ़ायदे हैं, जिसकी पुष्टि कई रिसर्च में की जा चुकी है, जिसमें पाया गया है कि व्रत रखने और भोजन करने के बीच में जो लंबा गैप होता है, उससे हमारे शरीर को कई फ़ायदे होते हैं। अगर हम एक दिन उपवास रखते हैं और सिर्फ पानी पीते हैं, तो हमारा शरीर दूसरों के मुकाबले 5% ज़्यादा चल सकता है। जो लोग डेली भोजन लेते हैं, उनका शरीर धीरे धीरे ढलने लगता है, और जो लोग उपवास रखते हैं और पानी पीते हैं, उनका शरीर दूसरों के मुकाबले 5% ज़्यादा चलता है। व्रत के दिनों में सात्विक भोजन करने से, प्याज लहसुन और मांसाहार से परहेज करने पर, फलों का अधिक मात्रा में सेवन करने पर, न केवल हमारा शरीर ही स्वस्थ रहता है, बल्कि कैंसर जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। वज़न कम होना। व्रत रखने से शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो फैटी टिश्यूज़ को तोड़ने में मदद करते हैं, यानी आपका वज़न कम करने में वे मदद करते हैं। रिसर्च में यह भी बात साबित हो चुकी है कि शॉर्ट टर्म फास्टिंग यानी कम समय के लिए उपवास रखने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज़ी से बढ़ता है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। शरीर का शुद्धिकरण। व्रत रखने से शरीर शुद्ध होता है, शरीर से जहरीले तत्व बाहर निकलते हैं, बशर्ते आप व्रत के दौरान केवल फल और सब्जियों का ही सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार व्रत रखने से शरीर की जठर अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम तेज होता है, इससे पाचन बेहतर होता है और गैस की समस्या भी दूर होती है। नर्वस सिस्टम का बेहतर होना। व्रत हमारे शरीर को हल्का रखता है, हल्के शरीर से मन भी हल्का रहता है और दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। व्रत पूरी सेहत सकारात्मक असर डालता है। तो दोस्तों, आप भी व्रत रखकर अपने शरीर और मन को स्वस्थ बनाएं।